जब टर्की में रेसिप तैयब अर्डोगन ने हैगिया सोफिया म्यूजियम को मॉस्क में बदला, तब उनको क्रिटिसाइज किया गया, खासकर क्रिश्चियन कंट्रीज के द्वारा, जिसमें सबसे आगे थी ग्रीस। जब इंडिया में ओवरऑल कोई इस प्रकार की न्यूज उठती है कि कश्मीर के रीजन में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं, तब दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया को डायलॉग देती नजर आती हैं। आज ही मैंने एक वीडियो बना के बताया कि आसाम में जो दरांग का इंसिडेंट हुआ, इसको लेके कतर में, कुवैत में इंडिया के खिलाफ बातें बोली जा रही हैं। लेकिन जब चाइना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, तब पूरी की पूरी दुनिया शांत रहती। एक यूएस है जो कि चाइनीज मुस्लिम्स को लेके कभी कभार स्टेटमेंट दे देता है, बाकी किसी भी कंट्री में इतना स्पाइन नहीं है कि वो चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल सके, खासकर तब जब चाइना अपनी माइनॉरिटीज को परेशान करता है, अपने यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम्स को परेशान करता है। उस समय पर पाकिस्तान भी चुप रहता है, उस समय पर तालिबान भी चुप रहता है, और बाकी जितनी मुस्लिम नेशंस हैं जो कि इंडिया में कश्मीर में ह्यूमन राइट वायोलेशंस के लेके आवाज़ उठाते रहते हैं, जब बात आती है चाइना के अंदर कुछ होने की, तब वो चुप रहते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, नीचे यहाँ पे आपको एक मॉस्क नजर आ रहा है। इस मॉस्क में जबरदस्त तरीके से बीच में एक गुंबद है, पास में मीनारेट्स नजर आ रही है, तो देख के लग रहा है कि हाँ भाई, दिस इज एन इस्लामिक स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे है, तो चाइना की किंघाई प्रोविंस है, उसकी एक सिटिंग है ये किनिंग। तो जो चाइना की किंघाई प्रोविंस यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तिब्बत और जिनजियांग के ईस्ट में अगर आप देखोगे तो किंघाई प्रोविंस है। इसकी जो कैपिटल है वो है जिनिंग। यहाँ पे एक मॉस्क था, मतलब मॉस्क है अभी ये, इसका नाम है आपका डोंगगुआंग मॉस्क, DONGGUAN। अब हुआ यह है कि ओवरऑल चाइना एक कैंपेन चला रहा है अपनी कंट्री के अंदर, जिससे वो इस्लाम का सिनिजाइजेशन कर रहे हैं। बेसिकली कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी एक लिमिट से ज़्यादा अगर अपने आप को अपने रिलीजन से एसोसिएट करती है, तो उसको चाइना बदलने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो तिब्बत के कल्चर की बात हो, चाहे वो इस्लामिक कल्चर की बात हो। काफ़ी हद तक ये जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन था, ये बहुत बड़ा हुआ करता था एक समय पे। आज की डेट में तिब्बत एक बहुत छोटी सी प्रोविंस बची हुई है। यूनान, सिचुआन, किंघाई, ये पूरा का पूरा मेजर इलाका तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में आता था। बट तिब्बत के लोकल कल्चर को सिस्टमैटिक तरीके से तबाह कर दिया चाइना ने, प्रॉपर सिनिजाइजेशन किया है। जो साइनो कल्चर है आपका चाइना का, उसको ज़बरदस्ती लोगों को सिखाने की कोशिश की गई है, सोशलिज्म के सिद्धांत की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश की गई है। जिनजियांग में तो प्रॉपर तरीके से जो मुस्लिम्स है, जो टर्किश मुस्लिम्स है, उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। किंघाई की बात की जाए तो यहाँ पे हुई मुस्लिम्स रहते हैं। किंघाई प्रोविंस की 16% आबादी हुई मुस्लिम्स है, उसके बावजूद यहाँ पे इस्लाम का सिनिजाइजेशन करने की कोशिश कर रही है कौन, चाइनीज सरकार। तो हुआ ये कि जो डोंगगुआंग नाम का मॉस्क था, इसकी ऊपर की मिनारेट्स और डोम हटा दिए गए। और ये चीज अभी एक ट्वीट के थ्रू भी बताया है, जो ब्रिटेन की डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है, जिनका नाम है चाइना में, जिनका नाम है क्रिस्टीना स्कॉट, ये घूमने निकली तो लेफ्ट साइड पे इनकी गाइड बुक नजर आ रही है, उसमें साफ साफ एक मॉस्क दिख रहा है, डोंगगुआंग मॉस्क है, इसकी दो मिनारेट्स और एक डोम दिख रहा है। दिस इज अ ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर, लेकिन राइट साइड की बिल्डिंग में आपको नजर आ रहा है कि डोम हटाए जा चुके हैं, मिनारेट्स यहाँ पे हटाई जा चुकी हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो कि हल्का फुल्का भी इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है, उसकी इस्लामिक एलिमेंट्स को, उसके अरेबिक एलिमेंट्स को हटा देंगे, ये डिसाइड कर लिया यहाँ पे चाइना ने। तो आप कह सकते हो कि दिस इज क्लियर कट एंड एंटी रिलीजियस स्टेप, बट इसके अगेंस्ट दुनिया में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, खासकर वो मुस्लिम कंट्रीज जो कि इंडिया को लेक्चर देती रहती हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट सिचुएशन इन कश्मीर, वो यहाँ पे बिल्कुल शांत बैठेंगी, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, क्योंकि गिरवी होकर रखा हुआ चाइना के पास। और ओवरऑल ये स्टेप चाइना का न्यूज में कैसा आया, अभी रिसेंटली हुआ ये कि जब इस प्रकार की एक्टिविटी हुई और डोम और मीनारेट्स को हटाया गया, तो एक मुस्लिम वुमेन प्रॉपर हिजाब पहन के इस मॉस्क के सामने जो रोड थी वहां पे बैठ के पूजा करने लगी और रोने लगी। और उसके बाद उस डिपिक्शन को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया गया, उसके अगेंस्ट में एक कार्टून बनाया गया, एक कार्टून आपको नजर आ रहा है, और ये कार्टून जबरदस्त तरीके से यहाँ पे वायरल हो गया। और ये जो कैंपेन है सिनिजाइजेशन का, इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार के रीजनल या कल्चरल या रिलीजनल आइडेंटिटी चाइना के अंदर नहीं चाहती वहां की रूलिंग क्लास। इनफैक्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके जो इंटरनल पार्टी डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे इस्लाम को एक वायरस की तरह भी बोला गया है। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है scroll.in का आर्टिकल है, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चाइना में ऐसा इंटेंस कैंपेन चल रहा है इस्लाम के अगेंस्ट में, और उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल वॉइसेस बहुत कम है, क्योंकि किसी में भी इतनी स्पाइन नहीं है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सके। ये तो यहाँ पे जो क्रिस्टीना स्कॉट है, जो कि ब्रिटेन की डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आ गया।
जिससे पूरी दुनिया के सामने ये बात पता चल रही है। और ऐसा नहीं है कि चाइना ये पहली बार कर रहा है, 2020 में जो यिनचुआन प्रोविंस है चाइना की, वहाँ पे नानगुआन मॉस्क के साथ भी ऐसा हुआ, यहाँ पे डोंगगुआन मॉस्क के साथ ऐसा हुआ है, और इससे पहले जो लिंगजिया हुई ऑटोनॉमस काउंटी है वहाँ पे भी जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर थे उनको हटा दिया गया। फिर दिसंबर 2018 में तो यूनान प्रोविंस के 3 मॉस्क को पूरी पूरी तरीके से डिमोलिश ही कर दिया गया था, ये बोल के कि ये इलीगल बिल्डिंग्स हैं। आप सोच सकते हो कि इंडिया में या किसी और कंट्री में इस प्रकार की कोई एक्टिविटी होगी तो कुछ बोला जाएगा। तब भी एंटी माइनॉरिटी प्रैक्टिसेस को लेके कोई एक कंट्री जो चाइना के अगेंस्ट ओपनली बोलता है वो सिर्फ यूएसए, इंडिया भी इतना ओपनली नहीं बोलता है। तो ये एक छोटा सा न्यूज अपडेट था जो कि मैंने आपके साथ बात की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा। चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।